साहब राम जी, भाई साहब राम राम जी, राम राम जी, जय गो माता, जय गोपाल जी। आज की वीडियो में कितनी गाय दिखाओगे जी? हो जी, आज की वीडियो में गाय दिखा रहे हैं 9 गो माता। अच्छा जी, जिसमें से साहब 1 गो माता सेल होके जा रही है कांगड़ा देवी। कांगड़ा देवी, हाँ जी। 8 गो माता अपने पास फिलहाल मौके पे हाजिर है जी, जो रेडी है सेल के लिए। बिल्कुल रेडी है साहब, तो ये 8 की 8 सेल के लिए अवेलेबल है। बिल्कुल रेडी है जी। कंप्लीट डिटेल जानेंगे जी आपसे एक एक गाय के बारे में। बिल्कुल बताएंगे साहब। सबसे पहले आपका यहाँ का एड्रेस शेयर कर दो जी। एड्रेस मेरा है जी, गांव कमीनपुरा है, जिला श्री गंगानगर, स्टेट है जो राजस्थान है जी। ठीक है जी। मोबाइल नंबर भी इस कॉन्टेक्ट के लिए दे दो जी। सर जी, मोबाइल नंबर मेरा जी 78528 26862। ठीक है जी। ये नंबर व्हाट्सएप पर है? बिल्कुल साहब, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर है। तो वीडियो कॉल करके अगर कोई आपकी गाय देखना चाहे तो दिखा दोगे? बिल्कुल जी। ठीक है जी भाई साहब। सर जी, इसमें नंबर 2 बताऊंगा, फिर वो कॉल ज़्यादा आते हैं ना। हाँ। फिर इतने एक से कॉल उठते नहीं है। हाँ। छोटे भाई की हेल्प लेनी ही पड़ती है। हाँ। तो इसमें दूसरा नंबर है मेरा 88 90 62 88 62। ठीक है जी, ये दोनों ही व्हाट्सएप नंबर है जी। अच्छा, दोनों में से किसी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी। भाई का नाम बताइए जी। सर जी, जो गौ माता किसान को कस्टमर को पसंद आए उस गौ माता का मेरे को स्क्रीनशॉट दे दे, तो स्क्रीनशॉट देके उसके बाद आगे वाला देखना चाहे वीडियो कॉल पे देख के फिर फैनल कर सकता है। ठीक है जी। बाकी अपनी वीरवार को तो रेगुलर वीडियो आती आती है जी। ये तो नीचे इनका फाइनल है। फाइनल है, हाँ जी। ठीक है, भाई का नाम और बता दीजिए जी। भाई का नाम राकेश कुमार है जी। राकेश कुमार, हाँ जी। छोटे भाई का नाम है। ठीक है जी, इनसे भी बात करेंगे तो कीमत एक ही मिलेगी जी? सर जी, कीमत में तो 2000 रुपये मार्जिन अपना। दोनों में से डिस्काउंट कौन ज़्यादा देता है जी? सर जी, डिस्काउंट वाली बात नहीं है, बताऊंगा जो फाइनल ही होगा जी। अच्छा, क्योंकि मैं ज़्यादा मांगता नहीं हूँ। हाँ, मैं वो हर बार वीडियो में बोलता हूँ, किसान के घर से महंगी आएगी तो महंगी बताएंगे, भाव में आएगी तो भाव में बताएंगे। अच्छा जी। अपने को ऐसे तो है नहीं, किसान से 45 लाके 55 खड़े करने हैं। हाँ। किसान से 45 की आई तो 47 लेना है। हाँ। ठीक है जी, 2000 कमाने हैं, 2000 मार्जिन रखना है। सर जी, 9 गाय 18000 मिल जाएंगे। हाँ। 5 गौ माता 12-13 मिल जाए, काफी है। सही है जी, बहुत है। एक एक करी गाय देख लेते हैं आपकी। अभी सबसे पहले 1 नंबर वाले की डिटेल दो जी। शाम कपिला जी। कौन सा ब्यांत? ब्यांत इसका दूसरा है जी। दूसरा, हाँ जी। और कितने दिन की ब्याई होगी जी? बहू जी, ये ब्याई हुई है 10 दिन की। 10 दिन की काफ? काफ बछड़ी है जी, पीछे फीमेल काफ। बिल्कुल ब्लैक कपिला। जैसी माँ है बेटी उससे बढ़ के है। बेटी उससे बढ़ के है, बढ़ के है। जैसी माँ है उससे बेटी बढ़ के है, बढ़ के है जी। कलर में दोनों ही खूबसूरत है बहू जी। बिल्कुल। दूध में कैसी है जी? दूध सर जी, अभी जो दूध निकालने वाला 14 किलो रेडी है। 14 किलो दूध रेडी है। रेडी है, अच्छी चाकरी करेंगे कि लीटर 2 लीटर बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन 14 तो कंफर्म मान के ले ले। कंफर्म है, रेडी। जितना तैयार दूध है अभी उतना ही मान ले तो भी 7 लीटर एक टाइम का है जी। रेडी है, रेडी है। हाँ। कीमत इसके लिए जी? कीमत इसके लिए तो साहब फिक्स रखनी है मैंने। बता दो फिक्स भी। 45,000 साहब। 45,000? बिल्कुल। 45,000 रुपीज? बिल्कुल। फिक्स कीमत रखोगे? साहब लोग 65,000 मांगते हैं। इसका पीछे का एड्रेस जो पैटर्न है बता देता हूँ। देखो। हाँ, ठीक है जी। लोग 65,000 रुपये मांगते हैं साहब। 2 नंबर वाली गाय की और डिटेल दे दो जी। इसकी नस्ल भी बता दो साथ साथ। ये राठी नस्ल में है जी। राठी ब्रीड की है। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी ब्याई भी है? ब्याई हुई है जी, बछड़ा पीछे। कितनी गाय ब्याई हुई जी आज? सर जी, आज अपने पास 4 गौ माता ब्याई है जी। 4 ब्याई हुई और 4 प्रेग्नेंट है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, इसकी कम्प्लीट डिटेल दो जी। ये जी अभी 10 किलो रेडी है। और ब्याई आज 5 दिन की। 5 दिन की ब्याई हुई। हाँ जी। और 10 किलो दूध तैयार है? बिल्कुल साहब, 10 किलो रेडी है। हाँ। 10 किलो दूध रेडी है जी। और काफ क्या है साथ में जी? साथ में बछड़ा जी। बछड़ा है, मेल काफ है। हाँ जी। इस गाय के साथ बछड़ा है, पहले वाले के साथ बछड़ी थी? बछड़ी है जी। ठीक है जी, और 4 गाय दिखाओगे, 4 ब्याई भी है आज के वीडियो में। कीमत क्या रखोगी जी? कीमत सर जी आज 31,500 इसके लिए। 31,500? बिल्कुल फाइनल है जी। तो ये छोड़ने वाले कितने जी इसमें? 500 रुपये। 500 रुपये 31,000 में दे दोगे फाइनल कीमत? फाइनल, फाइनल है जी, फाइनल, फाइनल है। तीसरी और ब्याई भी गाय, इसकी भी डिटेल ले लेते हैं भाई साहब से। ये 44 स्थानी है जी। कौन से ब्यांत की है जी? ये दूसरा ब्यांत है जी। दूसरा ब्यांत, हाँ जी। और कितने दिन की ब्याई होगी ये? सर जी आज 2 दिन की ब्याई है जी। 2 दिन की ब्याई भी है। हाँ जी। काफ? काफ पीछे बछड़ा है जी। बछड़ा है, हाँ जी। ये दोनों गायें जो जोड़ी में है दोनों के साथ बछड़े हैं? बछड़े हैं साहब। पहले वाली के साथ बछड़ी थी? सर जी, 2 गाय के साथ बछड़ी हैं, 2 के साथ बछड़े हैं। अच्छा, 2 के साथ बछड़े और 2 के साथ बछड़ियां हैं? बछड़ियां हैं। तो ये जो बड़े सारे ऑर्डर वाली है इसके साथ तो फिर फाइनल बछड़ी है? सर जी, फाइनल बछड़ी है, फाइनल बछड़ी है। ये तो लॉटरी है जी इसके। तीसरे वाली बछड़े वाली की डिटेल दो जी। इसका दूध कितना रेडी बताया भाऊ जी? अभी मैं किस निकाल रहा हूँ 11-11.5 किलो। अच्छा,
लेकिन दूध 14 किलो 15 किलो दूध नॉर्मल बात है जी, इसके लिए निकाल देगी इतना आराम से सर जी। अच्छा जी, 13-14 किलो दूध निकाला हुआ पहले ब्यांद का। हाँ। अभी दूसरे ब्यांद में ठंडी बहुत है जी। देखो किसान लेके जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ। गौ माता लेके जाए टेंशन नहीं है, पैर बांधो चाहे ना बांधो। हाँ। नीचे बैठ जाओ बस सीधे। अच्छा देखो स्वभाव देखिए, स्वभाव पर रखिए साहब राम जी, स्वभाव पर रख के दिखा रहे हैं गाय का ठंडी साहब। कीमत क्या रखोगी जी? कीमत सर जी फिक्स रखनी है 45,000 रुपए इसके लिए। 45,000 जी जी, 45,000 रुपीज बिल्कुल जी। ठीक है जी, चार नंबर वाली गाय और देख लेते हैं जी आपकी। ये श्याम कपिला। श्याम कपिला जी साहब, कौन से ब्यांत की जी? ये सर जी दूसरे ब्यांत में है। दूसरे ब्यांत में? हाँ जी। ये ब्याई हुई है? ब्याई हुई है जी। अभी अपने बात कर रहे थे कि दो बछड़े और दो बछड़ी वाली है। ये बछड़ी वाली है जी। तो ये बछड़ी वाली बची हुई है, इसके पीछे लॉटरी है साहब। लॉटरी है? हाँ जी। ठीक है जी, दूध? दूध तो सर जी ऑर्डर देख के आइडिया लगाएगा आगे वाला। हाँ। ठीक है जी। हाँ। लोग बोलते हैं हम निकालते हैं। हाँ। लोग तो बोलते हैं। हाँ। निकाल के देते हैं। अच्छा, किसानों ने मेरे को बताया 21 लीटर दूध इसका, पर मैं 19 लीटर की गारंटी दूंगा जी। 19 की आप गारंटी दोगे? दूंगा जी। तैयार कितना है अभी दूध? सर जी जो है 3 दिन की ब्याई है। हाँ। 16 किलो किस रेडी है? 16 किलो रेडी है। रेडी है साहब, रेडी। 8 किलो एक टाइम का दूध नपवा दोगे? बिल्कुल भाऊ जी, चार टाइम नापे। चार टाइम नापे चाहे? हाँ जी, चार टाइम नाप के ले जाए 18 किलो दूध। 18 किलो और दूध देगी 19 किलो? 19 किलो। किसानों ने मेरे को 21 किलो बोला है। अच्छा, अभी 16 किलो आप कह रहे हो नपवा के दे दो? 16 किलो सर जी 21 रेडी है। हाँ। 3 दिन की तो ब्याई है। हाँ। तीसरा दिन आज ब्याई को। अच्छा, और 16 किलो किस रेडी कर लिया इसने। हाँ। ये जो सर जी श्यामा कपिला नस्ल की गौमाता है ना, ये कामधेनु गौशाला के नस्ल है। तो ये क्या दूध वाली नस्ल है? इनका जो कलर है ना आपको श्यामा में यही कलर मिलेगा। यही कलर मिलेगा? यही मिलेगा जी। ठीक है जी। लेकिन दूध का भंडारा है। दूध का भंडारा है? भंडारा है। कीमत का जी? जर्सी फेल है इसके आगे। अच्छा, और दूध मिलने वाला 7 की फेंट। 7 की फेंट का? 7 की फेंट का दूध है जिसका। हाँ। और ऑर्डर आप मेजर आप कर लो जी। हाँ। मोटा अंचल लगा हुआ है। हाँ। ठंडी सील है बिल्कुल। कीमत जी? कीमत सर जी इसके लिए फिक्स है 61,000 रुपए। 61,000 रुपए में जी 18 लीटर दूध क्षमता वाली, 19 लीटर दूध क्षमता वाली गाय। सर जी मैं आपको पहले बोला वीडियो में। हाँ। मेरे को किसान के घर से मंदी मिलेगी तो मैं मंदी दूंगा। हाँ। और मेरे को जो किसान के घर से महंगी है तो साहब मैं घर से तो लगा के दे नहीं सकता। सही है, लेने अपने को 2,000 रुपए है। हाँ। 500 रुपए मान करेंगे, 3,000 इसमें बताया हुआ है, 500 ये खा जाएगी, 2,000 अपने को मिल जाएगा साहब। ठीक है, इतना ही मान सम्मान है जी। 5 नंबर वाली गाय की और डिटेल दे दो जी, इसका और बता दो जी। ये सर जी अभी बच्चा देने में करीबन 10-12 दिन बाकी है। प्रेग्नेंट है, 10-12 दिन बाकी है। साथ साथ चलाकर भी दिखा रहे हैं आप। अडर क्वालिटी मेजर कीजिए और हाइट लेंथ भी देखिए, अच्छी कदकाठी है, ब्रिड करेक्टर्स खूबसूरत है। कंप्लीट डिटेल भाई साहब से ले लेते हैं। ब्यांत कौन सा बताया जी? दूसरा ब्यांत है जी। दूसरा ब्यांत? हाँ जी। और कितना टाइम ले लेगी अभी? ये ले लेगी सर जी 12 और 13 दिन, 15 के अंदर अंदर मान के चलो, 2 हफ्ते के आसपास। आसपास 2 हफ्ते के आसपास मान ले। हाँ जी, किसानों ने मेरे को 10 दिन ही बोला है, पर मैं 2-4 दिन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्यों कई बार आगे वाला बोलता है यार भाई साहब आपने 10 दिन बोला था, ये तो 12-13 दिन ले गई। देखो जी इसके ये समुंदर है, इसके अंदर तो जाके किसी ने देखा नहीं है, बाकी जानवर है जी, गौ माता का क्या पता चलता साहब, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, आगे पीछे। इसलिए मैं 15 दिन बोल रहा हूँ। लेकिन दूध है जो क्षमता। हाँ। 16 किलो की गारंटी से दूंगा। 16 किलो? हाँ जी। 8 किलो एक टाइम का? बिल्कुल साहब। ठीक है, साथ साथ चलाकर भी दिखा रहे हैं। कदकाठी देखिए और कलर देखिए, कलर बड़ा ही प्यारा है, बिल्कुल रेड है जी, बिल्कुल रेड है, रेड गोल्ड है, रेड गोल्ड है। कीमत क्या रखोगी जी? कीमत सर जी 46,000 रुपये। 46,000 रुपीज़? बिल्कुल जी। ठीक है जी, आपकी 6 नंबर वाली गाय और देख लेते हैं जी। जो 6ठे नंबर पर गाय है इसकी भी पूरी डिटेल दे दो जी। ये साहिवाल नस्ल है जी। साहिवाल ब्रीड की है गाय, साहिवाल ब्रीड की है, और ये भी प्रेग्नेंट लग रही है जी। सर जी 1 महीना बाकी है इसका। 1 महीना बाकी है? पूरा 1 महीना। तो कोई इसकी प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहे तो करवा सकता है? हमने तो प्रेगनेंसी चेक करवा के लाए हैं। हाँ। आगे वाला को चेक करवाए जी, सद के आए अपने घर, आगे इधर तसली से अपना डॉक्टर लेके आता, अपना डॉक्टर लेके आई, तसली से चेक करवा के लेके जाये जी। ठीक है, और फिर वैसे नहीं करना है तो आगे वाले के हमारी गाड़ी छोड़ने जाएगी, जब अपना डॉक्टर बुला के चेक करवा सकता है जी। ठीक है जी। हाँ। जो बोल दिया उसमें फर्क नहीं आने वाला। अच्छा। हाँ जी। और 1 महीना बचा हुआ है, दूध कितना निकालेगी जी? सर जी दूध ये करेगी 14 किलो। 14 किलो? हाँ जी। तो लगभग गायें आपकी 13-14-15-16 लीटर वाली है बाबू जी। वही बात है कि इसमें डिसीजन है कि 10 लीटर वाली किसको देंगे तो वो क्या आगे
खाएगा और क्या बेचेगा। हाँ। 10 लीटर में तो क्या है, खर्चा नहीं निकलता गौ माता का, 200-300 रुपए नॉर्मल खर्चा है। इसमें क्या है कि गांव वाले जो इंसान है, हमारे किसान भाई है, उनके चारा वारा सब घर का होता है, ठीक है जी, उनको पुसा जाता है। हाँ। जो सिटी के अंदर रहते हैं, हाँ, वो उनके सब कुछ मोल का आता भाव जी। हाँ। तो उनको कम से कम 14-15 किलो की गाय देंगे ना, हाँ, तब जाके उनका काम चलेगा, तब चलेगा। 500-600 रुपए का दूध गौ माता से मिलेगा ना, फिर वो 200-300 गाय को खिलाएगा गौ माता को, 200-300 रुपए उनको घर में मिल लेंगे, फिर उनका गुजारा हो सकता है। जी सर जी, 5-7 लीटर दूध देगी तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, खिलाने का खर्चा ही पूरा नहीं होगा। हाँ जी, कीमत क्या रखोगी जी? कीमत सर जी 40,000 रुपए। 40,000 40,000 रुपीज सर जी, 65,000 रुपए मांगते हैं ऐसी गौ माता के लोग। हाँ। पर अपना वो बात है, 2,000 रुपए कमाने, ठीक है जी। ये जी गदरी राठी किसानों को बोल के कमाना है 2,000 रुपए। अच्छा, आगे वाला कश्मीर अपने घर आए। हाँ। पहले गौ माता देखे। हाँ। पसंद करे, ये गोल्ड सोना। हाँ। गोल्ड सोना। हाँ। ठीक है जी, ठंडी देख लो आप कितनी है, बाकी आगे वाला आए अपने हाथ घुमा के तसल्ली से लेके जाए, तसल्ली करके पूरी फिर लेके जाए, यहाँ आ जाए, आके जो भी अपनी पसंद की गाय हो उसका सिलेक्शन सभी गायों में से कर सकता है। बाकी मेरे भाइयों का साथ बहुत है सर, मेरे साथ बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं। क्यों कि जो हम बोल रहे हैं ना जी, वो बात पूरी होती है। अब कमेंट भी आते हैं वीडियो पे, कमेंट भी आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि यार साहब राम जी, जो आप बोलते हो वही बात फाइनल है, और जो आप चीज हमारे को दिखा रहे हो वही वीडियो पे पहुंचती है। ये बात सही है जी, जो चीज दिखाई है ना, जो आगे वाला सिलेक्ट करेगा, अब जो भी सिलेक्ट करेगा 5,000 रुपए हमारे को टोक मनी डालेगा, 5,000 टोक मनी डालने के बाद जब लोड कराएंगे गौ माता की पेमेंट डालेगा, सही है, और उनके घर वही गौ माता पहुंचेगी जो देखी है, जो देखी है। ठीक है जी, ठीक है जी। गदरी राठी के बारे में डिटेल दे दो जी। ये तो सर जी हमारे राजस्थान की शान है। हाँ, राठी चोलिस्तानी, चोलिस्तानी राठी। हाँ जी, देखो इसका गलकम्बल, सुंडी, याडर, कल्लन पैटर्न, राजस्थान की शान है सर। यह राजस्थान की रानी। हाँ, राजस्थान की राठी रानी, रानी राठी रानी, राठी रानी। ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल दे दो जी, कौन सा ब्यांत है इसका? ये दूसरे ब्यांत में साहब, अपने दूसरे ब्यांत में। हाँ, चार ही दांत है मुँह से चार दांत है। हाँ जी, और टाइम कितना लेगी जी ब्याने में? 10 दिन बाकी है। 10 दिन बाकी है अभी। अच्छा, 10 दिन और ले लेगी, राम से ले लेगी साहब, राम से। दूध कितना बना लेगी जी ये? दूध सर जी अभी ये बना लेगी, मान के चलो 15+ करेगी, 15+7.5 लीटर एक टाइम का बना लेगी। 14 किलो दूध दिया जी पिछले ब्यांत में, पिछले ब्यांत में 14 किलो 12 लीटर दूध, 12 किलो दूध उन्होंने बाल्टी में निकाला है बच्चे को छोड़ के। हाँ। अब इसके जो पीछे बछड़ी थी ना, उसके मैं 35,000 रुपए लगा के आया हूँ। अच्छा, मेरे को बछड़ी दी नहीं उन्होंने। हाँ। क्योंकि जो ये लेके आती है ना, हाँ, बछड़ी इससे भी अच्छी आएगी। अच्छा, क्योंकि जिस बुल की ये जिसे प्रेगनेंसी हुई है, हाँ, वो बुल बहुत अच्छा बुल है साहब। अच्छा, एक नंबर का बुल है। हाँ। मेरे पास हो ना, हाँ, तो मैं इसको करोड़ों में देने वाला नहीं, क्योंकि उनकी पूजा करने के लिए एक चीज है वो। हाँ। ऐसे बुल मिलते नहीं है सर, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कीमत क्या रखोगी जी? कीमत सर जी इसके लिए 45,000 रुपए। 45,000 वो फिक्स है साहब, 45,000 रुपए फिक्स है। ठीक है, ये तो जी नगीना है, नगीना। हाँ, इसका पुट्ठा देखो। हाँ, भैंस भी फैला इसके आगे। नगीने की भी पूरी डिटेल दे दो जी। देखो जी, हाँ, इसका पुट्ठा देखो जी, करीबन बहुत ही सुंदर है। भैंस का भी पिट्ठा नहीं होता, जैसे बोलते ना इधर बोलते हैं हरियाणा में, कौन सा है जी वो रोहतक। हाँ। रोहतक की भैंस है वो, मूरा भैंस। हाँ। मूरा भैंस का जैसे पिट्ठा ना वो चीज है, ऐसी बनावट है इसकी, वैसी शरीर की बनावट है। हाँ जी। हाँ। ये कौन से ब्यात में जी? ये सर जी दूसरे ब्यात में। अच्छा, ये प्रेगनेंट है। हाँ जी। कितना टाइम ले लेगी ब्याने में? ये ले लेगी सर जी 15 दिन। 15 दिन। हाँ जी। राठी में कुछ थोड़ा क्रॉस लग रही है जी? नहीं जी, राठी में क्रॉस नहीं है। अच्छा, ये है ही शुद्ध राठी। अच्छा अच्छा, ये है ही शुद्ध राठी। ठीक राठी है। हाँ ठीक है, इसे बोलने में मैं इसको साहिवाल भी बोल दूंगा। हाँ। पर साहिवाल नहीं है, शुद्ध राठी है। अच्छा जी, ये सोन कपिला में है इसमें। हाँ। जो इसमें गुण है ना, ये सोन कपिला में है। देखो आपको मैं इसके गुण दिखाता हूँ। देखो, जो इसका मुंह और आंखों के बोए है ना, बिल्कुल रेड कलर के हैं, लाल है। हाँ जी। हाँ। ऐसे बोलते हैं साहिवाल है सर जी, साहिवाल है नहीं। ठीक है, साहिवाल ऐसे बोलने से साहिवाल थोड़ी हो जाएगा। आगे वाला भी कोई अनपढ़ नहीं है, जो वीडियो देख रहा है वो भी पढ़े लिखे इंसान है। जो अपनी वीडियो रेगुलर देख रहा है ना, वो अपने से ज्यादा समझदार है। ठीक है जी, कि उनको पता है, वो एक वीडियो नहीं देखता है, 1,000 वीडियो देखते हैं दिन में, पर उनको पता चलता है कि आदमी कौन अपने को गाय देगा, वो अपने से गाय लेता है। ठीक है जी। अपनी हर वीरवार को 8-10 गाय लगती है। 8-10 गौ माता हर वीरवार को सेल हो जाती है। ठीक है जी। अब जो पुरानी वीडियो लगती है गाय की, कोई गाय नहीं अपनी पुरानी,
अब नई गाय लेके आते हैं, नई गौ माता सेल हो जाती है और आगे वाले को भेज देते हैं सब। ठीक है जी, दूध कितना बना लेगी ये? 14-15 दूध 15 प्लस करेगी जी, 15 प्लस कर जाएगी। तो कीमत आपने क्या रखी है जिसकी? कीमत 51,000 रुपए। 51,000 हाँ जी, 51,000 रुपीज हाँ जी। टोटल भाई साहब आपकी 8 गायें देख ली है, एक गाय और बता रहे थे जी आप, वो भी दिखा दो जी। कांगड़ा देवी में थानेदार साहब हैं जी, उन्होंने काफी टाइम से मेरे से बात कर रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोगों से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है। अब बोलते साहब राम जी आपसे गौ माता लेनी है हमारे को, तो मैंने बोला साहब ले लो। अब उन्होंने एक गौ माता रखी है जी अपने से। अच्छा दिखाओ जी कौन सी पसंद की है। किसानों ने 20 लीटर बोला साहब। हाँ और अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा ये वाली गाय भाई साहब? हाँ जी ये जाएगी। हाँ जी तो ये किस जगह के लिए बताइए जी? ये कांगड़ा देवी है जी हिमाचल में। कांगड़ा देवी? हाँ जी। अच्छा जी तो ये कब तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगी जी? ये सर जी उनकी खुद की गाड़ी आएगी। अच्छा कल मेरे पास। हाँ उनके पास गाड़ियों का काम भी है और वो बोल रहे थे सर जी खुद की गाड़ी आएगी और अच्छे से देख पर के उनको मिला सर जी आपने देख पर के ले जाओ क्योंकि मित्रता बनी रहेगी। ठीक है जी हमारे को वो नहीं गाय भेजनी है, अपने को मित्रता भी बनानी है और गौ माता भी पहुँचानी है, काम दोनों ही करने हैं जी। इसलिए वो आ रहे हैं खुद अपने घर विजिट करके देख के ले जाओ। ठीक है जी भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। राम राम जी। जय गौ माता। जय गौ माता।